हेलो गर्ज़ असलम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप सब लोग अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक ठाक ए वन फिट आप सबकी दुआओं से और जी आप सबको हम सब की तरफ से रमज़ान करीम की बहुत बहुत मुबारकें और वैसे माशा अब तो ये फिफ्थ जो रोज़ा न वो स्टार्ट हो चुका है और ये जी आपको इस वीडियो में तकरीबन चार जो अफ्तारियाँ ना वो देखने को मिलेंगी और इससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि जी हम आज क्या बनाएं या कल क्या स्किप करें तो इस बार हमारी पूरी कोशिश है कि ये तलने तलाने वाले काम जो है ना वो थोड़े से हम स्किप करें लेकिन क्या करें कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं बीच में तो ये मस्ट हैव जो है, तो है ना वो है दही भले और फ्रूट चाट ये तो मस्ट हैव जिसे कहते हैं ना चीज़ें हैं जो बनती बनती हैं और एक दिन बना लो तो अगले एक दो दिन तक चलती रहती हैं और बीच में अगर आपने थोड़े से और फ्रूट्स वगैरह कट करने हैं जी नेक्स्ट डे के लिए आप ऐसे करते रहते हैं तो जी ये दो तीन दिन तक चल जाती हैं इस तरह की चीज़ें बाकी जो मेन कोर्सेज़ होते हैं वो आपके जो है ना वो डेली बेसिस पे बनते हैं और ये जी आपको इसमें चार अफ्तारियाँ आपको मिलेंगी देखने को और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं कोई एक इफ्तारी को ना को कंप्लीट उसको दिखा दूं क्योंकि इतना जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है और माशाल्लाह माशाल्लाह पता ही नहीं चलता कि कब जो अफतारी ना उसका टाइम हो जाता है तो फर्स्ट डे में हमने बनाया था जी यखनी मटन पुलाव और ये रहा जी सेकंड डे की अफतारी और सेकंड डे में अगेन जो फर्स्ट डे की फ्रूट चट और दही पले थे वो हमने रख लिए साथ में बिरयानी ले आए थे बाहर से समोसे ले आए थे बाहर से और इस तरह की बस थोड़ी सी चेंजेस की थी हमने साथ में जूस या दूध सोडे और इस तरह के जो मशरूबात हैं ना वो तो बनते ही बनते हैं तो ये साथ में जी उमर काम से लेकर आ गए थे पैकिंग तो कह रहे थे कि जी मैंने थोड़ा बहुत बस खाया था जो खाया था ये जी एज़ इट इज़ मैं ले आया हूँ तो माशाल्लाह माशाल्लाह जो लोग यहाँ पर बाहर काम करते हैं और अगर इफ्तारी उनके जी ऑफिस में हो जाए तो हर कंपनी जो है ना प्रोवाइड करती है उनको इफ्तारी और बड़ी अच्छी जो है ना अमाउंट में और बहुत अच्छी करती है इफ्तारी जो उनको प्रोवाइड करती है तो जी यहाँ पर जो लाइटिंग शाइटिंग है ये मैंने निकाल कर लगा ली थी मैंने कहा ज़रा वाइब आए थोड़ा सा रमज़ान का वैसे तो माशाल्लाह फीलिंग आती आती है रमज़ान की चाहे आप कुछ ऐसी चीज़ें लगाएं या ना लगाएं तो जी यहाँ पर मैंने लगाई थी और हानिया को तो बहुत पसंद आती है साथ ही साथ हुरिया भी लेट कर देखती रहती है इन लाइट्स को तो वो भी काफ़ी इंजॉय करती है और साथ ही साथ जो मौसम है ना आजकल बहुत ही प्यारा हुआ है बल्कि कल रात बारिश हो रही थी वो भी आपको इसी वीडियो में जी एंड में देखने को मिलेगी तो फोर्थ रोज़े पर जी माशाल्लाह माशाल्लाह बारिश हो रही थी यहां पर और ये रहा जी थर्ड डे और थर्ड डे में हमारी नेबर हुआ करती थी अभी भी माशाल्लाह हमारी नेबर है लेकिन थोड़ी सी जरा हटके हो गई हैं जब से हमने घर शिफ्ट किया तो जो उनको पता है वो जब भी ये रोटियां बनाती हैं अफगानी रोटियां मुझे नहीं पता इनको क्या बोलते हैं तो हमेशा वो घर ज़रूर भेजती हैं मेरे तो यहाँ पर जी हम लोग वो भी इंजॉय करेंगे और इस तरह अगर कोई आपके घर में बना कर कोई चीज़ भेज दे तो समझे आपकी एक डिश वो भी हो जाती है और जी साथ ही साथ यहाँ पर ईद की तैयारियाँ चल रही हैं हालाँकि ईद माशाला काफ़ी दूर है लेकिन स्टिल आते हुए टाइम का पता नहीं चलता तो एंड के दिनों में फिर बिल्कुल ही टाइम इतने लिमिटेड और मुझे ऐसा लगता है जैसे आपके पास एनर्जी नहीं रहती एंड के दिनों में कुछ करने के लिए तो मेरा अम्मी ने बड़ा ही प्यारा सूट स्टिच किया था बस लेस लगाने वाली रह गई थी फिर एंड पे मैं आराम से जो बच्चों के कपड़े हैं उनको अरेंज करती रहूँगी तो इस तरह जी आपका टाइम आराम से निकल जाता है और यहाँ पर जी जस्ट मैं अभी लगाने लगी थी लेस तो जी ये रहा व्यू अंदर की ये मजलिस का जो कि अभी भी, भी इनकम्प्लीट है और अभी कर्टन लगाना है थोड़ी बहुत डिकोर करनी है तो बस अभी हमने जस्ट सोफे यहाँ पर रखे हैं जो मैंने अंदर रखे हुए थे सोफ़े अपने रूम में तो वो ही निकाल कर यहाँ पर बाहर रखे हैं और एक और सोफा सेट आ गया था साथ में तो जी ये सारे का सारा जो मजलिस वाला एरिया ना यही बन गया हमारा माशाल्लाह तो इसका फायदा सबसे ज़्यादा ये है कि बाहर का मौसम आजकल बहुत ही अच्छा है तो जी आराम से हम डोर ओपन करते हैं आराम से बैठे रहते हैं बाहर और उम्र क्या करते हैं जैसे शहरी अपनी जी फिनिश कर लेते हैं तो नमाज पढ़ने के बाद बल्कि नमाज भी यहाँ पर ही आके बाहर पढ़ते हैं इसी मजलिस में और आराम से जी इंजॉय करते रहते हैं ये दरवाज़ा खोल कर जैसे कि मैंने आपको दिखाया और मज़े की बात आजकल का जो मौसम है कतर का बहुत अच्छा हुआ है और जैसे ही रात होती है तो यहाँ तो बारिश होने लग पड़ती है जैसे कि कल रात हुई है और मौसम जो है ना ठंडा ठंडा सा है तो बड़ा इंजॉय करने का मज़ा आ रहा है और स्पेशली स्पेशली इसलिए ज्यादा मज़ा आ रहा है क्योंकि जो रोज़े ना वो ज़्यादा लग नहीं रहे तो ये रहा जी फोर्थ डे और फोर्थ डे पर हमने जी ये चीज़ें बनाई थी जिसमें जी आ जाती हैं मिर्चें हमने फ्राई कर ली थी साथ साथ में हमने बना लिया था चिकन पुलाव जो कि बहुत मज़ेदार था बहुत ज़्यादा टेस्टी था मिर्चें बिल्कुल भी नहीं थी लेकिन जो उसका टेस्ट आउट क्लास था तो बच्चों की खातिर अगर किसी में तो, जी मैडम जी के तो वहां पर जो आपकी मेहनत है ना सारी जया जाती है कि जब बच्चों ने नहीं, नहीं खाना तो फिर आपका भी दिल नहीं करता खाने को वैसे तो टेस्ट के लिए हम लोग डाल देते हैं अपने टेस्ट के लिए मिर्चे लेकिन जो है ना बच्चे वो नहीं फिर खाते तो ये रहा जी मजेदार किस्म का यखनी चिकन प्लाव और साथ में जी अम्मी ने बनाए थे ये बंद पिज्जा बर्गर तो बहुत ही मजा आया बहुत एंजॉय किया बच्चों ने बड़े शौक से खाए और बच्चों की ज्यादातर आज की जो वैरायटी थी ना बच्चों की थी क्योंकि प्लाव में भी मिर्च नहीं थी वो भी बच्चों ने खाया माशाल्लाह माशाल्लाह हनी लुक एट मी हि� तो जी मेरी सिस्टर भी आई थी रहने के लिए और बच्चे जो है ना वो बारिश काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे हालांकि ज़्यादा बारिश हुई नहीं लेकिन जितनी हुई उतनी ही काफ़ी थी हमें तो बहुत मज़ा आ रहा था बड़ा ही ठंडा ठंडा माहौल हो गया था तो जी ये इफ्तारी फोर्थ इफ्तारी थी यानी कि फोर्थ रोज़ा था और जी बहुत मज़ा आ रहा था बहुत इन्जॉय कर रहे थे और जी यहाँ पर आप हानू की शरारतें देख ही सकते हैं कि बच्चे जो है ना वो कितना इन्जॉय कर रहे थे और बस मैं इनके पास खड़ी थी कि कहीं ये बाहर ना निकल जाएँ क्योंकि मैंने हानिया को ना शावर दिया हुआ था तो मैंने कहा अगर ये बाहर निकल गई यहाँ पर आ गई सेन में तो इसने जी अपने कपड़े गंदे कर लेने हैं तो थोड़ी देर तक उमर आए थे काम से और उनके हाथ में ना एक पार्सल था और मुझे पता था मेरी फ्रेंड ने पाकिस्तान से भेजा हुआ पार्सल और उसने मुझे कुछ नहीं आइडिया मुझे कोई आइडिया नहीं था कि उसमें क्या है तो उसने मुझे इतना कहा था कि ये हुरिया के लिए गिफ्ट है बस तो क्या है वो तुम्हें खोल के ही पता चलेगा तो जैसे मैंने पार्सल ओपन किया तो सबसे पहले यही मुझे फ़्रॉक नज़र आया और इसका मैंने जल्दी से निकाला और इतना क्यूट और स्पेशली छोटे बच्चों की जो चीज़ें होती हैं ना वो तो वैसे बहुत क्यूट लगती हैं और ये पर्ची हानिया के लिए आया और ये पूरा बेबी सेट जी हुरिया के लिए तो थैंक यू मेरी दोस्त का जिसने इतनी दूर से और इतने प्यार से स्पेशली सारी चीज़ें भेजी और ये बस इन नेक्स्ट ईद तक ही हुरिया को आएंगी अभी इसको हुरिया को बड़ा फ्रॉक और बाकी चीज़ें तो मैं यूज़ कर लूँगी और फ्रॉक जो है वो इनशाला जब भी पहनाऊँगी आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी <laughs> 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 <laughs>

तो जी यहाँ पर अब शहरी का टाइम हो चुका है मैंने अपनी ना रोटी बना कर रख ली थी इसको मैं दोबारा गर्म कर रही थी क्योंकि मैं ना हुरिया का डायपर शापर चेंज करने लग पड़ी थी तो बस जो नक्शे बन रहे थे ना मुझसे मैं भी जल्दी जल्दी बना रही थी क्योंकि फिर दिल करता है जल्दी से खाओ और नमाज़ पढ़ो और सो जाओ और अम्मी ने यह कीमा पहले ही बना के रखा हुआ था इफ्तारी के टाइम और अम्मी ने कहा था शहरी के टाइम बस गर्म करेंगे और साथ में खाएँगे तो ये जी रहा मेरा जैसे कहते हैं शहरी और इसके बाद जी मैंने लिया था खा लिया था दही और जी इन अपनी सहरी की और तारी की रूटीन आप लोगों से डिटेल में ज़रूर शेयर करूंगी और इसी के साथ करती है अपने ब्लॉग का कहीं पर एंड उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें हम सबको अपनी दुआ में याद रखें अल्लाह हाफिज़